ये ले लिया मैंने बेस सबसे पहले, अब इस पर क्या करना है बताओ आप दोनों। मैं सॉस लगाऊं मम्मी? हाँ करो। चिंकी मेयोनीज डाल देती है और चिल्ली सॉस लगा देती है। मम्मी मैं ब्रोकली डेकोरेट कर दूँ इस पर? टमेटो और मशरूम मैं लगाऊंगी गट्टू। हाँ बाबा दोनों कर लेना एक एक करके। फिर दोनों एक एक करके टमाटर प्याज शिमला मिर्च मशरूम की एक एक लेयर लगा देते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है पिज्जा। हाँ गट्टू मजा आ गया। मैं चीज को कस दूँ मम्मी? नहीं बेटा आप छोटे हो हाथ ना कट जाए। मैं आप दोनों को चीज कस कर दे देती हूँ, आप पिज्जा पर बुरक देना। ओके मम्मी। मम्मी चीज कस कर दे देती है, दोनों मिलकर पिज्जा पर बुर्क कर देते हैं। अब क्या करना है मम्मी? अब इसको ओवन में डालेंगे। ये आप क्या पहन रही है मम्मी? ये ग्लव्स हैं बेटा। हमेशा याद रखना ओवन में प्लेट डालते और निकालते वक्त हाथ में दस्ताने पहनना बहुत जरूरी है। नहीं पहना तो क्या हो जाएगा मम्मी? अरे हाथ जल जाएगा बेटा। वैसे आपको अभी ओवन यूज नहीं करना चाहिए, आप तो बस मुझे देखो। ओवन में पिज्जा पकने लगता है और दोनों कूदने लगते हैं। चिंकी देखो प्लेट अंदर घूम रही है। हाँ गट्टू मुझे तो खुशबू भी आने लग गई। बस 5 मिनट और फिर हम तीनों मिलकर खाएंगे इसको। थोड़ी देर में पिज्जा रेडी हो जाता है और मम्मी प्लेट में लेकर उसको कटर से काटने लगती है। अच्छा तो स्लाइस ऐसे बनती है। हाँ बेटा चलो अब डाइनिंग टेबल पर। गट्टू चिंकी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मी दोनों की प्लेट में एक एक स्लाइस रख देती है। वाव कितना टेस्टी बना है मम्मी। हाँ मजा आ गया। चलो आज आप दोनों इतने अच्छे नंबर लाए उसी का इनाम है ये। आप दोनों ने सीखा भी कि घर का बना पिज्जा कितना हेल्दी और टेस्टी होता है। हाँ मम्मी अब जब भी पिज्जा खाना होगा घर का ही खाएंगे।